हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में, और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एंड अवर लाइफस्टाइल इन स्विट्जरलैंड। हमें तो यहां पर रहते हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए हमें यहां पर काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कौन से स्पॉट्स अच्छे हैं, कौन से लोकेशंस बहुत ही खूबसूरत है और डेफिनेटली उन्हें कवर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक परफेक्ट प्लान, जिसमें आपको हम सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स बताएंगे, आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए पूरा प्लान बताएंगे, और साथ ही कम कॉस्ट में बेसिकली आप अपनी पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है। हम आपको पहले भी हमारी वीडियोस में बता चुके हैं। तो गाइज, हमने ये जो इटिनरी का प्लान बनाया है, ये एक बहुत ही मतलब इफेक्टिव प्लान है एक्चुअली, और आप पूरी तरह से अपने दिन को यूज कर पाएंगे, क्योंकि मार्च से यहाँ पे लॉन्ग डेज शुरू हो जाते हैं, तो जो सनलाइट है वो काफ़ी देर तक रहती है। और स्विट्जरलैंड जो है वो बहुत ही सेफ कंट्री है, यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, देर रात तक यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही लो है। तो अब बात करते हैं इटिनरी के बारे में कि आपको अपने ट्रिप में कहाँ कहाँ घूमना है। तो हमने कुछ अच्छे अच्छे जगह पिक करके निकाली है, जिसमें आपको एक प्रॉपर मिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के बड़े बड़े सिटीज से लेकर ब्यूटीफुल विलेज से लेकर ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन, तो हमने सारा इसमें इंक्लूड किया है। तो स्विट्जरलैंड में एंटर करने के लिए आपको ज्यूरिक से एंटर करना पड़ेगा। तो ज्यूरिक का जो एयरपोर्ट है वो बाकी वर्ल्ड से प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो ज़्यादातर जो फ्लाइट्स है वो ज्यूरिक में लैंड करती हैं, इसलिए आपकी एंट्री होगी ज्यूरिक में। एंड देन उसके बाद से आपका यहाँ का प्लान शुरू होगा। तो हमने जो प्लान यहाँ पे निकाला है वो है मिनिमम 4 डेज आपको चाहिए अच्छे से स्विट्जरलैंड को कवर करने के लिए। तो जब आप ज्यूरिक एंटर करेंगे उसके बाद से हम 4 डेज शुरू करेंगे। तो एयरपोर्ट पे एंट्री लेने के बाद आपको सबसे पहले लेना है एक सिम कार्ड, जो होगा लाइका कंपनी का। तो लाइका कंपनी का जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे सबसे मतलब सस्ता होता है, और उसमें आप एक डाटा पैक रिचार्ज करेंगे जो आपको 10 फ्रैंक्स का पड़ेगा। तो उसमें आपको महीने भर के लिए मिल जाता है जो डाटा पैक। तो इंटरनेट होना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप खुद से प्लान कर रहे हैं तो गूगल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब कुछ आप गूगल करके फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन टाइमिंग्स, कौन सी ट्रेन आपको पकड़नी है, आप लोकेशन डालेंगे तो उसमें तो वो आपको पूरा ट्रैक बता देगा कि आपको यहाँ से ये ट्रेन पकड़नी है, और यहाँ पे सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा एक 4 डेज का स्विस ट्रैवल पास। और ये पास की खासियत ये होती है कि इसमें सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा है स्विट्जरलैंड का ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे हैं। तो ये स्विस ट्रैवल पास में ये पूरा ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है, और साथ में कुछ म्यूजियम्स भी इंक्लूडेड होते हैं इस पास में, और बाकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उसकी जो एंट्री फीस होती है उस पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये पास लेते हैं। तो आपको ये पास लेना है 4 डेज का। ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से फिर इसमें से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ इटिनरी कम करनी है या आपको कुछ इटिनरी बढ़ानी है, बट मैं आपके साथ सारे 1 डे प्लान्स शेयर करूंगा, तो आप उस हिसाब से कट भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया है लुजर्न सिटी को, जो कि आपका सेंटर रहेगा, क्योंकि अगर आप स्विट्जरलैंड का मैप देखेंगे तो लुजर्न जो है वो थोड़ा सेंट्रल एरिया में आता है, और वहां से सारे लोकेशंस हैं वो पास में हैं। तो इसलिए अगर आप लुजर्न को अपना हब बना लेंगे तो वहां पे हम एक होटल बुक करेंगे, और होटल बुकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन, आप कैसे होटल बुक करें, कौन सा होटल बुक करें, ये सब भी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो ज्यूरिक में एंटर करने के बाद आपको लुजर्न ट्रैवल करना है, और लुजर्न में आपके होटल में आप चेक इन कर देंगे। अगर आपकी जो भी फ्लाइट के टाइमिंग्स है उस हिसाब से आप ये प्लान कर सकते हैं एंट्री। तो लुजर्न आ जाने के बाद हम हमारा फर्स्ट स्पॉट कवर करेंगे, जो फर्स्ट डे है हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं माउंटेन टिटलिस। तो लुजर्न से हमारी जर्नी शुरू होगी, लुजर्न से हम जाएंगे एंजलबर्ग, और एंजलबर्ग से हम जाएंगे टिटलिस। तो स्विस पास में आपका एंजलबर्ग तक का जो सफर होगा वो इंक्लूडेड होगा, और उसके बाद वहां से टिटलिस माउंटेन तक जाने के लिए आपको अलग अलग केबल कार से जाना पड़ता है, जिसमें रोटेटिंग केबल कार होती है और ओपन एयर केबल कार होती है। तो ये सब उसके लिए आपको एक स्पेशल टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी आपको 50% डिस्काउंट में पड़ेगा, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो ये है। तो टिटलिस माउंटेन बहुत ही अच्छा है, और मेरा वो फेवरेट माउंटेन है स्विट्जरलैंड का, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मिक्स है। वहाँ पे आपको आइस पैलेस भी देखने मिल जाएगा, और वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ भी होती है, और 3 टाइप्स ऑफ रोप वेज वहाँ पे है।
तो बहुत ही अच्छा माउंटेन है टिटलिस, और उसकी नेचुरल ब्यूटी भी आपको देखने मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्यूटी जो है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए आप हमारे इंडिविजुअल स्पॉट के वीडियोस देख सकते हैं, एंड देन यू कैन सिलेक्ट कि आपको कौन से स्पॉट्स ले रखने हैं लिस्ट में और कौन से नहीं। तो ये जो फर्स्ट फुल डे है वो हमें इसी माउंटेन पे स्पेंड करना है, और वहां पे ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है विच इज वेरी गुड। तो पूरा दिन आप माउंटेन टिटलिस पे बिता सकते हैं। आप शाम में रिटर्न आएंगे वापस लुजन को, और फिर वहां पे इवनिंग क्रूज चलते हैं जिसमें डिनर क्रूजेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो एक डिनर क्रूज बुक भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो इसके साथ आपका फर्स्ट डे वहां पे एंड हो जाएगा। तो सेकेंड डे में हम जाने वाले हैं जिनीवा सिटी। तो जिनीवा एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, क्योंकि जिनीवा में बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का वहाँ पे हेडक्वार्टर है, उसके बाद WHO का, रेड क्रॉस का वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस है, और जिनीवा में काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। साथ ही वहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा फाउंटेन है, जिनीवा लेक है, और वहाँ से आपको फ्रांस की बॉर्डर भी दिखती है। तो जो वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं वो फ्रांस के माउंटेन्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पे। तो जिनीवा भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और आप वहाँ पे जिनीवा सिटी भी घूमेंगे। तो हम जाएंगे लुजन से मॉन्ट्रेक्स तक, और मॉन्ट्रेक्स से फिर हम जाएंगे जिनीवा। ये जो रूट है ये बहुत ही सीनिक रूट है, और इसमें बहुत ही सुंदर व्यूज आते हैं। तो ये भी आपके स्विस पास में इंक्लूडेड है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद आप जिनीवा पहुंचेंगे तो पूरा दिन आप जिनीवा में घूम सकते हैं, और जिनीवा में नेस्ले की फैक्ट्री भी है, तो आप उसका भी टूर ले सकते हैं, और जिनीवा का आप ओल्ड टाउन वो भी घूम सकते हैं। तो आपका पूरा दिन जिनीवा में अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड की एक बड़ी सिटी का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और उसके बाद हम रात में वापस आ जाएंगे लुजन। और अब चलते हैं हमारे डे 3 के ओर। तो डे 3 में हम जाने वाले हैं लुजन से पहले लॉटरब्रुनन विलेज, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, उस पर भी हमने लॉग बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद लॉटरब्रुनन से हम जाएंगे यूनफ्राउ माउंटेन, विच इज टॉप ऑफ द यूरोप। तो 12,000 फीट पे आपको डायरेक्ट ट्रेन लेके जाती है, और वहां से आपको बेहतरीन व्यूज आते हैं। उस पर भी हमने एक डिटेल व्लॉग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो। उससे आपको एक्चुअली आइडिया आ जाएगा कि वहां पे कौन से क्या क्या है करने के लिए, आपको कैसे वो प्लान करना है डिटेल में। तो लॉटरब्रुनन से हम जाएंगे पहले यूनफ्राउ। यूनफ्राउ पे काफी सारी एक्टिविटीज है, जैसे आइस पैलेस है, स्नो एक्टिविटीज है। तो वो सब देखने के बाद वहां से हमें रिटर्न आना है गिंडरवर्ल्ड, मतलब एक साइड से ऊपर जाके दूसरे साइड से रिटर्न आना है। तो गिंडरवर्ल्ड आएंगे, और गिंडरवर्ल्ड से नीचे आएंगे इंटरलेकन पर। तो इंटरलेकन में भी हम घूम सकते हैं, इंटरलेकन एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। तो वहां पे यश चोपड़ा की स्टैचू वगैरह भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और इंटरलेकन में फिर इवनिंग स्पेंड करने के बाद हम रिटर्न आ जाएंगे वापस लुजन में। तो इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज करनी है, जैसे स्काई डाइविंग, उसके बाद बंजी जंपिंग एंड अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे होती है इंटरलेकन एरिया में, तो आप एक स्पेशल डे वहाँ प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑफिस, म्यूजियम्स या सिटी नहीं देखनी है, तो जिनीवा का आप कैंसिल करके एक पूरा दिन गिंडरवर्ल्ड और इंटरलेकन को दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज है। तो अब चलते हैं 4th डे की ओर। तो 4th डे में आपको लुजन के आपके होटल से चेकआउट करना है और ट्रेवल करना है ज्यूरिख के लिए। 4th डे पे हम ज्यूरिख में फिर आपके होटल में चेक इन करेंगे सुबह में, एंड उसके बाद आप ज्यूरिख में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज्यूरिख लेक, ज्यूरिख का ओल्ड टाउन, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके लिए आपको लगेंगे 2-3 घंटे। तो आप यू कैन चूज कि अगर आपको ये सुबह करना है या शाम में करना है, क्योंकि इसके बाद हमें कवर करना है रेन फॉल्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है, जिसमें ग्रीन ब्लू कलर का वाटर होता है। और साथ ही वहाँ पे एक बोट एक्सपीरियंस होता है, जो आपको वहाँ पे ना बोट ऐसी एकदम फॉल्स के पास ले जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये हमें कवर करना है 4th डे पे। तो रेनफॉल्स एंड ज्यूरिख सिटी, तो ये 4th डे पे आपका कवर होने के बाद आप रात की वापसी की फ्लाइट बुक कर सकते हैं, या फिर आप ज्यूरिख में अपनी नाइट स्पेंड कीजिए 4th नाइट, और 5th को आपकी वापसी की फ्लाइट रहेगी सुबह। तो इस तरीके से हमने बेसिकली 4 डेज का एक फुल प्लान बनाया है, जिसमें आपने देखा कि हमने कवर किया है 2 स्नो माउंटेन्स, विच इज टिटलिस और यूनफ्राउ, और उसके बाद जिनीवा सिटी, रेनफॉल्स एंड ज्यूरिख सिटी, और इसके साथ इंटरलेकन का एक जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया,
उसमें आपके एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब होंगी, तो आप एक फिफ्थ डे बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और इस जो ये जो प्लान है जो मैंने बताया, इसमें हमने लुजन को हब पकड़ा है क्योंकि वो सेंट्रल एरिया में पड़ता है। तो आप एक तो आप वहाँ पे होटल अपना बुक कीजिए जहाँ पे आप अपनी सारे नाइट्स स्पेंड करेंगे, या फिर अगर आप इंटरलेकन में भी बुक करना चाहते हैं क्योंकि इंटरलेकन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, तो वहाँ पे भी आप अपनी एक रात के लिए वहाँ पे बुक कर सकते हैं। बट फिर आपका बजट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं। वो कट करने के लिए फिर हमने लुजन को अपना हब बनाया है। तो इसलिए फिर ये दो ऑप्शन है कि आप लुजन में ही कंटिन्यूअसली रहे और वहाँ पे रह के आप वन डे ट्रिप्स करें सारे स्पॉट्स पे, या फिर आप वन नाइट के लिए इंटरलेकन जा सकते हैं और फिर वापस अगली रातों के लिए आप लुजन आ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं टिकट्स के बारे में। तो टिकट्स के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको लेना है स्विस ट्रैवल पास, और उसके बाद आपके ये सारे स्पॉट्स कवर करने के जो एक्सपेंसेस होंगे उसके डिटेल्स हैं ये। और अब बात करते हैं होटल बुकिंग के बारे में। तो होटल्स आप कैसे बुक कर सकते हैं? तो होटल बुकिंग के लिए ऑप्शंस होते हैं, एक प्रॉपर होटल्स जहाँ पे रूम्स आपको दिए जाएंगे और रूम सर्विस वगैरह ये सब वहाँ पे होता है। सेकेंड ऑप्शन होता है आपके लिए एयरबीएनबीज। तो एयरबीएनबीज में आपको एक पूरा अपार्टमेंट मिल जाता है और आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो होटल्स हमने सिलेक्ट किए हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लुजन में कुछ बहुत ही अच्छे ऑप्शन है जो हमने सिलेक्ट किए हैं, और उसके पर नाइट रेट शुरू होते हैं 60 फ्रैंक्स से। तो 60 फ्रैंक्स, 100 फ्रैंक्स, उससे वैसे फिर रेट इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप उस होटल के वेबसाइट पे जाके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह के रूम चाहिए। आपको उस वहाँ पे बहुत ही अच्छे रिव्यूज वगैरह सब पढ़ने मिल जाएगा। तो एयरबीएनबी का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं खाने के बारे में, मतलब फूड एंड बेवरेजेस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्विट्जरलैंड में डाइनिंग बहुत ही महंगा है, तो ये आपके बजट को पूरी तरह से हिला सकता है। तो इसलिए इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा अभी। तो अकोमोडेशन ऑप्शन जो भी आप बुक करेंगे उसमें एक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड का ऑप्शन होता है, तो वो आप डेफिनेटली लीजिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे फिर आपको कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट यहाँ पे ट्राई करने मिलेगा और उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं। तो आप अकोमोडेशन बुक करते वक्त ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूडेड लीजिए, तो ब्रेकफास्ट आपका सॉर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन होटल्स भी काफ़ी जगह पे मिल जाएंगे, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं लंच में। और डिनर के लिए हमने एक इस पर भी एक व्लॉग बनाया है जिसमें बताया है हमने कि आप कैसे यहाँ के जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ से आप कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो डिनर के लिए आप वहाँ से शॉपिंग करके वहाँ पे आपको रेडीमेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको अच्छी अच्छी डिशेज मिल जाती हैं, लाइक बटर चिकन, राइस वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है ग्रोसरी स्टोर में। तो आप वहाँ से लेके अपने होटल के या फिर एयरबीएनबी के मतलब रूम पे जाकर आप वहाँ पे गरम करके खा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप सेव करना चाहता है खाने पे। अदरवाइज आपको यहाँ पे इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मतलब सारे तरह के कुजीन के होटल्स वगैरह तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। इसके भी कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पे वैसे जो अपनी ग्लोबल चेन्स होती हैं जैसे मैकडोनल्ड्स और KFC और बर्गर किंग, इनमें भी आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फ्लाइट बुकिंग करने के लिए मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है skyscanner.com, जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लाइट सर्च करने के लिए। ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस पे आप अपनी डेट्स एंटर कर सकते हैं जब आप अपना ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, और ये वेबसाइट फिर सारे अक्रॉस ऑल द एयरलाइन सर्च करके आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिखाती है कि ये फ्लाइट्स आपके लिए कौन सी चीपेस्ट है, कौन सी फ्लाइट आपके लिए फास्टेस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो जितना एडवांस में आप बुक करेंगे अपना ट्रैवल उतना आपको चीप टिकट्स मिलेंगे। तो इसलिए स्विट्जरलैंड वैसे घूमने आने के लिए जो बेस्ट टाइम है आई वुड से वो तो जून, जुलाई, अगस्त का है, बट आप मार्च से लेकर सितंबर तक इस ड्यूरेशन में आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और एडवांस में ही आप फिर बुक कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट, कौन सी एयरलाइन ऑफर कर रही है। सभी इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स पे से ये यहाँ पे आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी, दिल्ली, मुंबई। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने काफ़ी सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर कोई भी प्लान कर रहा है कोई टूर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
और अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, आपको ये कुछ और जानना है स्विट्जरलैंड के बारे में, ट्रिप्स के बारे में, आपके कुछ भी फीडबैक है हमारे चैनल के लिए, हमारे वीडियो के लिए, तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको स्विट्जरलैंड में से सबसे अच्छा स्पॉट कौन सा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।